लोग अभी थोड़े दिन पहले एक जन्मदिन में थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे ही पादरी साहब ने प्रार्थना करने के लिए सर झुकवाया, आंख बंद करवाया, केक सामने रखा हुआ था, प्रार्थनाएं लंबी हो रही थी और अचानक से बच्चों की रोने की आवाज आने लगी और जब रोने की आवाज ज्यादा तेज हो गई तब मैंने चुपके से अपनी आंखों को खोला तो मैं क्या देखता हूं कि तीन चार बच्चों ने इस पे हाथ मार दिया और सारे लोग बकोर करके खा रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, आधे घंटे के बाद फिर से दोबारा नया केक लाना पड़ा और उसके बाद फिर से आंख खोल के प्रार्थनाएं हुई है। हेलो सब लोगों को मेरे ओर से इस सहाय क्रिसमस के लिए ढेर सारा बधाई एंड न्यू ईयर के लिए भी ढेर सारा बधाई। ठीक है, से हाय जी इस सहाय। आप सारे लोग कैसे हैं? ठीक है, परिचय दे दो अपना। मैं हूँ स्नेहा मिंज, राजगांवपुर पेरिस से। तो स्नेहा मिंज से तो आज पहली बार मिला रहे हैं, बट स्तुति से तो उस दिन मिले थे जिस दिन कट गया था। आई डोंट नो, भूल गया है, दुखी है वो मम्मी जी, नहीं दुखी हो जाओ। ठीक है, सो गाइस आज हम आए हैं बर्थडे पार्टी में आए हैं। किसका बर्थडे है थोड़ा सा बताइए? हमारे रेवरेंड निलेश मिंज सर की बेटी का। ओके ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही झकास होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को बिना कट किए बिना स्किप किए ना फर्स्ट टू लेके लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ना दोस्तों? ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जहर जहर दिया जलाए के, जहर जहर बाती जलाए के, ले चलो जहर जहर दिया जलाए के, जहर जहर बाती जलाए के, ले चलो जहर जहर। इस बर्थडे कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट सौभाग्य जो तो आप सभी को जानते हैं, उसके बाद है कैंडिडेट जोगजेन लखड़ा और हमारे बीच में कुनकोरी पेरिस के चेयरमैन रेवरेंड रेखा किंटो हैं, अपन थोड़ा सामने आ जाएंगे। और खुशी की बात है कि हमारे रेखा मैडम यानी बेटी की धर्म माता हैं, शख्सियत से आ जाई है और बहुत खुशी की बात है। और हमारे बगल में हैं कैंडिडेट अनुज टोपो, धर्म पिता के हैसियत से आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। और बगल में मंजू टोपो हो गई है अभी आपके हमारे कैंडिडेट के धर्म पत्नी हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और इधर है कैंडिडेट सामुएल बखला, सामुएल बखला और हमारे जवाना के दादू हैं श्री वाल्टर मिंज और हमारे पादरी ज्वेल किस्पोटा चेयरमैन है और दक्षिण डायसिस के मिनिस्ट्री ऑफ सचिव भी हैं। और ये बगल की नया कमी मालिनी टोपो जी हैं, अच्छा धर्म मम्मी जी हैं, वो भी आ जाई हैं।
सब माता पिता, धर्म माता पिता सब आज उपस्थित हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप लोग इस आनंद को बढ़ाने के लिए इतने सारे बाल बच्चे, भाई बहन, जवान युवती, माता पिता दूर नजदीक से आए हैं, आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं। संग चला बे मोर संगे, हे सो मोर संगे रे, कहियो नी मुके भुला बे, जीवन पिता मोर तोर संगे, हे सो तोर संगे रे, कहियो नी तुके भुला बो, संग चला बे मोर संगे, हे सो मोर संगे रे, बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मिंज परिवार में एक बेबी आने वाली है, तो ऐसा लग रहा था कि जन्म नया साल के दिन ही वह आ जाएगा या आ जाएगी, है ना, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। लेकिन परमेश्वर की ऐसा इच्छा हुई कि नया साल का अपना आनंद है, इसलिए नया साल के एक दिन के बाद और नया साल का आनंद के साथ दूसरा जनवरी को भी प्रभु ने जोड़ दिया कि दूसरा जनवरी भी मींस परिवार और सब कोई आनंद मनाए। तो आज ऐसा ही हमारे लिए आनंद मनाने का अवसर 2 जनवरी 2024 आज हमारे लिए मिला है। और yeah।
सभी लोगों का इस बहुत सुंदर से प्रांगण में स्वागत है। अगर हमारा भी स्वागत है तो आप कह सकते हैं आपका भी स्वागत है। ये तो मैं बोल रहा हूं तो आप बोल रहे हैं। अगर हमारा भी स्वागत है तो कहीं आपका भी स्वागत है। अभी लोग नहीं बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बोल बोल के स्वागत ले लेते हैं। आज की शाम इससे खूबसूरत शाम नहीं हो सकती। आज की शाम इससे खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती। आज की शाम मुझे नहीं पता कि आप कितने उत्साहित हैं, लेकिन आज की शाम पूरी ईमानदारी से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग बड़े ही उत्साहित हैं और हम लोग इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग उड़ीसा जाएंगे, कब हम लोग दुर्गा बहाल जाएंगे, कब इस प्रांगण में आएंगे और हम लोग जोआना का बर्थडे एक साथ मना पाएंगे। मैं सोचता हूं आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। कर रहे होंगे? नहीं? नो? सामने के जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप काश इनका चेहरा देख पाते। जितने बच्चे सामने बैठे बेचारे के मुंह से सिर्फ लार छू रहा है कि कब ये सब कुछ खत्म हो, कब वो केक कटे और कब उनके मुंह में चला जाए। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले एक जन्मदिन में थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे ही पादरी साहब ने प्रार्थना करने के लिए सर झुकवाया, आंख बंद करवाया, केक सामने रखा हुआ था, प्रार्थनाएं लंबी हो रही थी और अचानक से बच्चों की रोने की आवाज आने लगी और जब रोने की आवाज ज्यादा तेज हो गई तब मैंने चुपके से अपनी आंखों को खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि तीन चार बच्चों ने इस पे हाथ मार दिया और सारे लोग बतौर करके खा रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, आधे घंटे के बाद फिर से दोबारा नया केक लाना पड़ा और उसके बाद फिर से आंख खोल के प्रार्थनाएं हुई है। आज की शाम ऐसा नहीं होगा। हम लोग बहुत जल्दी से आज इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और सच में हम लोग रांची से आए हैं। इस बार मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूं और आप देख सकते हैं, है ना, हम लोग दोनों के तरफ से आप सभी लोगों को यीशु सहाय है, है ना। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहले मैं बहुत खुश था शादी के पहले। शादी के बाद जिंदगी बहुत बदल सी गई है। पहले मैं बहुत आनंदित रहता था, खुश रहता था, मेरे हाथ में किताबें होती थी, मेरे हाथ में बैग होता था, मेरे हाथों में गाड़ी की चाबी होती थी। शादी के बाद अब मेरे हाथ में झाड़ू होता है, पोछा होता है। बहुत धन्यवाद देता हूँ इस तरीके से मुझे प्यार करने के लिए। और आज की इस शाम में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जिस उद्देश्य के लिए जमा हुए हैं वो उद्देश्य अपने साथ बहुत खुशहाली लेकर आया है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं रेवरेंड नीलेश को और उनकी धर्म पत्नी अंजू को और उनकी प्यारी सी बेटी जोआना को। हम लोगों का गौरव है, ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है कि हम लोगों को उसके धर्म बाप बनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग इस जिम्मेदारी में बेशक आगे बढ़ पाएंगे। और किधर बच्चा है, कौन कौन है? अरे रे 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 रे, किधर है? वामन, 1 2 3 4 5 और हाँ, गुड गुड गुड, 6 6 6 6 और किधर है? 7 8 9 बस 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 हो गया। बहुत धन्यवाद, इन सबको भी टोपियां पहना। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अगर आप लोग भी इस आनंद में शामिल होना चाहते हैं, खड़ा नहीं करवा रहा हूं क्योंकि पीछे वालों को दिक्कत होगा देखने के लिए, लेकिन आप लोग जगह पे बैठे बैठे तालियां बजाने में कंजूसाई मत करिएगा, है ना। और आप लोग भी अगर इस पल को कैप्चर करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, बेशक बनाइए, है ना। और मैं चाहूंगा कि जरूर से जोआना के मम्मी पापा, धर्म मम्मी पापा एकदम बीच में आ जाए। बहुत धन्यवाद। चलिए जरूर से अगुवाई करेंगे जोआना। 2 3 go Happy birthday to you.
Thank you.
दक्षिणी डायसिस जो की डुड़काबहार मंडली में है, तो पादरी क्रिस मिलेज में इनकी बेटी क्रिस जोआना में इनकी आज बर्थडे था, और बर्थडे में बहुत सारे लोग आए थे, तो इसमें और प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लगा। दूर दूर से भी आए थे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग इतना देर वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं सावन अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। हाँ भाई, तो आप लोग क्या इस वीडियो को लाइक किए हैं, नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अपने तरफ से कुछ राय देना चाहते हैं तो भर भर के राय दे सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो में कोई कमी लग रहा है तो वो भी आप लोग अपने तरफ से कुछ कुछ बता सकते हैं, दे सकते हैं, जो कि मैं अभी अभी हाल ही फिलहाल एक साल ही हुआ है इस चैनल को खोले हैं, ठीक है। और उससे पहले मेरा कोई चैनल नहीं था, अभी अभी बात करना सीख रहा हूँ, सब कुछ अभी अभी सब चीज़ चल रहा है, इसलिए मेरे से बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है, मेरे को नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, काम पे व्यस्त रहे। सो फाइनल थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, दाव मखा।